और बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज बड़ी खबर में हम बात करेंगे उन बड़ी खबरों की जो आपके और इस देश के लिए जरूरी है। तो हम बात करेंगे आज बड़ी खबरों की। बड़ी खबरों में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पीएम मोदी की। कोच्चि के मंगलुरु में पीएम मोदी ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। पीएम मोदी के अलावा यह आयोजन वन नेशन वन गैस ग्रिड के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पीएम मोदी ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि यह एक भविष्यवादी परियोजना है जो लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। आप भी सुनिए। साथियों, कोची मैंगलुरु पाइपलाइन इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि विकास को प्राथमिकता देते हुए सभी मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। साथ पीएम मोदी ने कहा कि जब पाइपलाइन का काम करना शुरू करेगी तो करोड़ों रुपए का विदेशी खर्च बचेगा। भारत के विकास को लेकर जितना काम अभी हो रहा है उतना कभी नहीं हुआ। हम भाग्यशाली हैं कि हम विकास के इस दौर का हिस्सा हैं। अब भी सुनिए। इस पाइपलाइन का एक और बड़ा लाभ पूरे देश को होगा। जब ये पाइपलाइन पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देगी तो देश की हजारों करोड़ की विदेशी मुद्रा खर्च, ये खर्च बच जाएगा। भारत इस पाइप पीएम मोदी ने कहा कि यह पाइपलाइन जिन जिलों से गुजरेगी वहां व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों को प्राकृतिक गैस की सुविधा मिलेगी। साथ ही स्वच्छ ईंधन के उपभोग से वायु प्रदूषण कम होगा जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके अलावा 12 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। इस पाइपलाइन के निर्माण के दौरान 12 लाख मैनडेज का रोजगार जनरेट हुआ है। पाइपलाइन के शुरू होने के बाद भी रोजगार और स्वरोजगार का एक नया इकोसिस्टम केरला और कर्नाटका में बहुत तेजी से विकसित होगा। फर्टिलाइजर उद्योग हो, पेट्रोकेमिकल उद्योग हो, बिजली उद्योग हो, हर उद्योग इससे लाभ लेगा और रोजगार के अवसर बनेंगे। साथियों, इस प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के 10 फायदे गिनाते हुए कहा कि दोनों राज्यों के लाखों लोग की ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी। यहां के गरीब मध्यम वर्ग का खर्च कम होगा। ये अनेक शहरों में गैस सिस्टम का माध्यम बनेगी। और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। पहला, ये पाइपलाइन दोनों राज्यों में लाखों लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। दूसरा, ये पाइपलाइन दोनों ही राज्यों के गरीब मध्यम वर्ग और उद्यमियों का खर्च कम करेगी। तीसरा, ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसका एक माध्यम बनेगी। चौथा, ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने का आधार बनेगी। पांचवा, ये पाइपलाइन मैंगलोर केमिकल और फर्टिलाइजर प्लांट को ऊर्जा देगी, कम खर्च में खाद बनाने में मदद करेगी, किसान को मदद होगी। छठा,
ये पाइपलाइन मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल को ऊर्जा देगी, उन्हें स्वच्छ ईंधन देगी। सातवां, ये पाइपलाइन दोनों ही राज्यों में प्रदूषण कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। आठवां, प्रदूषण कम होने का सीधा असर होगा पर्यावरण पर। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इससे कम होगा, वो लाखों पेड़ लगाने के बाद भी पाद ही हासिल हो सकता है। साथियों, नवा लाभ ये कि पर्यावरण बेहतर होने से लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी, बीमारी पर होने वाला उनका खर्च भी कम होगा। दसवां, जब प्रदूषण कम होगा, हवा साफ सुथरी होगी, शहर में गैस आधारित व्यवस्थाएं होगी, तो और ज्यादा टूरिस्ट आएंगे, टूरिज्म सेक्टर को भी इसका लाभ होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रियसिस ने कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत की सराहना की है। महामारी को खत्म करने के लिए भारत सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता के रूप में भारत ने कोविड-19 महामारी को समाप्त करने के अपने संकल्प को पूरा किया है। टेड्रोस ने ट्वीट किया, भारत कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक के तौर पर भारत अपना काम कर रहा है। महामारी के खिलाफ लड़ाई में पीएम मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने लिखा, अगर हम पूरी तरह से मिलकर काम करें तो प्रभावी वैक्सीन के इस्तेमाल से हर जगह सबसे कमजोर लोगों को बचाने का लक्ष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बदौलत भारत के पास दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे अधिक मात्रा में वैक्सीन निर्माण करने की क्षमता है। इसके अलावा भारत ने एस्ट्राजेनेका, नोवावैक्स और गामाले रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए प्राधिकरण प्राप्त किया है। 130 करोड़ लोगों की आबादी वाले देश में जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। देश के पास पोलियो और हैजा जैसे विभिन्न रोगों के लिए इस तरह के टीकाकरण अभियान का अच्छा अनुभव है। भारत में सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स और 50 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को टीका लगाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 6 से 8 महीनों में कुछ 250 मिलियन लोगों का टीकाकरण करना है। यूपी में लफंगों को सुधारने के लिए योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस को जिम्मेदारी दी, लेकिन यूपी सरकार पर तब सवाल खड़े हो गए जब यूपी की पुलिस ही लफंगई पर उतर आई। मामला कानपुर के थाना चकेरी के रमा देवी चौराहे की है, जहां एक शराबी दरोगा लफंगई पर उतर आया और एक शिक्षिका का पीछा करते हुए उसके घर तक जा पहुंचा। ऐसे में शिक्षिका ने शोर मचाया, क्या था, आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और दरोगा साहब की जांच पड़ताल करने लगे। किसी का ध्यान दरोगा साहब के नंबर प्लेट की तरफ गया तो किसी का ध्यान उनकी वर्दी की तरफ। लोगों ने इनको किस तरह समझाया, जरा आप भी देखें। इनके देखो, अगर इनकी बेटी भी जाती होगी तो इनको लगेगा कि वो उसका आशिक, इनका भाई भी होगा। तो इनके देखो, अगर इनकी बेटी भी जाती होगी तो इनको लगेगा। ये तो आप ऑन ड्यूटी ड्रिंक किए हुए हैं, विदाउट नेम प्लेट गाड़ी चला रहे हैं आप, हैं भाई बहन का रास्ते में जा नहीं सकते हैं, हमने बच्चों को मास्क लगा के बेचा, आप विदाउट मास्क है, इतनी करेगी नहीं करी है। ये तो आप ऑन ड्यूटी ड्रिंक किए हुए हैं, विदाउट नेम प्लेट। तो बड़ी खबर में आज तक के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।